हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि वी फार्म थर्ड सेमेस्टर का है। तो उसमें जो हमारे प्रीवियस ईयर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में बेसिकली उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहले हमारे ये कुछ क्वेश्चन है जो कि बेसिकली 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि वी फार्म थर्ड सेमेस्टर का। तो उसमें सबसे पहली यूनिट से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी, कि हमारा जो डीडीटी है उसका स्ट्रक्चर एंड उसके क्या क्या यूजेस हैं बेसिकली 2 मार्क्स में हमको डिफाइन करना है। तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन, गिव द मॉलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, जो बेंजीन होती है उसकी मॉलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर होती है, जैसे कि स्क्रीन की आपको साइड में दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की पिक्चर बेसिकली बेंजीन की हमको 2 मार्क्स में ड्रा करना है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वाई फिनाल इज स्टिक इन नेचर, फिनाल स्टिक इन नेचर क्यों होता है, मीन्स फिनाल का जो नेचर है वो स्टिक क्यों होता है, 2 मार्क्स में आपको ये भी डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ नेफ्थॉल्स, जो नेफ्थॉल्स होता है, नेफ्थॉल क्या होता है, बेसिकली नेफ्थलीन का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो इसके आप इसका आपको स्ट्रक्चर एंड इसके यूजेस क्या क्या हैं उसको आपको 2 मार्क्स में डिफाइन करना है। अब हमने यहाँ पे 2 लिए हैं स्ट्रक्चर, एक नेफ्थलीन एक नेफ्थॉल। अब इंडिविजुअल एक एक करके पूछता, कई बार पूछ लेता है नेफ्थॉल का स्ट्रक्चर एंड यूजेस 2 मार्क्स में पूछ लेता है, समटाइम्स क्या होता है कि नेफ्थलीन का भी पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर एंड यूज़ क्या है 2 मार्क्स में, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते, उसको भी आपको रिटर्न करना। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, एक्सप्लेन द एसिड वैल्यू, अब एसिड वैल्यू क्या होता है उसको आपको 2 मार्क्स में डिफाइन करना है। इसी तरह फर्दर क्वेश्चन जो है, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन्स, जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है इसको आपको डिफाइन करना है 2 मार्क्स में। फिर गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन, हमको यहाँ पे क्या बताना है, स्ट्रक्चर एंड यूज़ किसके, डाइफिनाइल मीथेन के 2 मार्क्स में पूछ लेगा इंडिविजुअल, या फिर ट्राइफिनाइल मीथेन इसके स्ट्रक्चर एंड यूजेज आपको डिस्क्राइब करना है। दोनों 2 मार्क्स में नहीं पूछता, बट एक एक करके कोई भी पूछ सकता है, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। फिर गिव द हावा सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन, आपको यहाँ पे हावा सिंथेसिस जो होती है फिनेंथ्रीन की उसको डिस्कस करना है ओनली 2 मार्क्स में। अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, बट एक एटिव है, कुछ भी कर सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर में 2 मार्क्स में पूछा है पूरी हावा सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन, तो आपको ये भी 2 मार्क्स में डिस्क्राइब करना होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, ड्रा एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर, अब हमको 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है 2 मार्क्स में। तो यहाँ सिंपली करना कुछ नहीं होता है, क्या करना होता है फ्रेंड्स, कि आपको 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर आपको ड्राइव करना है, लाइक फिनाल हो गया, टैलविन हो गया, तो इनके बेसिकली हमको 4 इसी तरह के एरोमेटिक स्ट्रक्चर ड्राइव करना होगा या बताना होगा या ड्रा करना होगा। फिर इसी तरह आरएम वैल्यू क्या होती है, आरएम वैल्यू क्या होती है, एस्टर वैल्यू क्या होती है, इनमें से कोई एक एक करके पूछेगा, हमने दोनों साथ में लिख लिया है यहाँ पे, बट क्या होगा कि 2 मार्क्स में आपसे आरएम वैल्यू पूछ सकता है एंड एस्टर वैल्यू क्या होता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये बेसिकली हमारे 10 क्वेश्चन थे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, 10 नहीं, यहाँ पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक जैसे कि हमने नेफ्थॉल एंड फिनेंथ्रीन एक ही में लिख लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 मार्क्स में अगर नेफ्थॉल को पूछेगा तो नेफ्थॉल को पूछेगा, नेफ्थलीन का पूछेगा तो 2 मार्क्स में नेफ्थलीन का पूछेगा। इसी तरह एसिड वैल्यू तो 2 ही मार्क्स में पूछेगा, इसी तरह जैसे यहाँ पे आरएम वैल्यू एंड एस्टर वैल्यू है 2 मार्क्स में एक ही पूछेगा, लाइक जैसे आरएम वैल्यू क्या होता है डिफाइन कीजिए 2 मार्क्स में पूछ सकता है, या एस्टर वैल्यू 2 मार्क्स में पूछ सकता है, इंडिविजुअल एक एक करके पूछेगा ना कि सारे, ठीक है फ्रेंड्स। और फर्दर जो ये 10 क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं, डिफाइन एरोमेटिसिटी, अब एरोमेटिसिटी क्या होती है इसको आपको डिस्क्राइब करना है। फिर दूसरा अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग आयल, कि जो हमारा ड्राइंग आयल होता है एंड नॉन ड्राइंग आयल होता है इसमें क्या डिफरेंस है, आपको डिफरेंशिएट करना है ओनली 2 मार्क्स में, मीन्स आप 3 से 4 पॉइंट में आपको डिफरेंस 3-4 पॉइंट में डिफरेंशिएट कर देना है कि ड्राइंग आयल क्या होता है एंड नॉन ड्राइंग आयल क्या होता है। फिर इसी तरह बेसिसिटी ऑफ एनिलीन्स, अब एनिलीन जो होती है वो बेसिक नेचर में क्यों होती है इसको आपको 2 मार्क्स में डिस्क्राइब करना है। इसी तरह एंगल ऑफ स्ट्रेन, एंगल ऑफ स्ट्रेन क्या होता है इसको आपको
डिस्क्राइब करना है। बनाना बॉन्ड थ्योरी क्या है, 2 मार्क्स में आपको डिस्क्राइब करना है। इसी तरह डिफाइन साइक्लोएल्केन्स कि साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं, इसको भी आपको 2 मार्क्स में डिस्कस करना है। फिर 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनाल। अब 2 मार्क्स में आपसे फिनाल का स्ट्रक्चर एंड उसके यूज़ भी पूछ सकता है। समटाइम्स क्या होता है, रिसोर्सिनल जो कि इसी का डेरिवेटिव है, तो उसके भी बेसिकली ये क्या पूछ लेता है, यूजेस एंड स्ट्रक्चर। फिर इसी तरह व्हाट डू यू मीन बाय फैट्स एंड ऑयल, अब आपका क्या मतलब है, मतलब आप फैट एंड ऑयल से क्या समझते हैं, 2 मार्क्स में आपको इसको भी डिस्क्राइब करना है। इसी तरह व्हाट इज़ हक्कर रूल, अब हक्कर रूल क्या होता है, आपको 2 मार्क्स में इसको भी डिस्क्राइब करना है। फिर डिफाइंस द सफोनिफिकेशन एंड आयोडीन वैल्यू, अब यहाँ पे दोनों साथ में नहीं पूछेगा, लाइक जैसे कि सफोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, 2 मार्क्स में आपको ये भी पूछ सकता है, एंड आयोडीन वैल्यू क्या होता है, 2 मार्क्स में ये भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो है बेसिकली हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स में है, जो कि सेक्शन ए में AK2 में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन जब प्रिपेयर करने जाइएगा तो ये क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके बेहतर मार्क्स बन सकें। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो ये हमने PDF जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कस की है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट।